बहादुर जी के 416 प्रकाश पुरब के मौके पर मैं तुहाड़े सामने अपना भाषण लैके हाजिर हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी बारे सब जानते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु सन, पर 9वें गुरु कितना बने? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी उम्र के 20 साल भोरे में बैठ के बिताए सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी भोरे में ही सन उस वक्त, तो गुरु जी का सिमरन कर रहे सन। उस वक्त 8वें गुरु ज्योति जोत समा चुके सन। 8वें गुरु जी ने अपने आखिरी शब्दों में कहा सी बाबा बकाला, जिसका अर्थ है कि 9वां गुरु बाबे बकाले विखे मिलेगा। मखण शाह लुबाणा की अरदास पूरी होने तो बाद बाबे बकाले पहुंचे, उसने देखा कि उत्थे 22 मंजिया के कई पखंडी गुरु बैठे हुए सन। उन्होंने पखंडी गुरुओं को देख के वह नहीं जानता कि असली गुरु कौन है, तो उसने सारे गुरुओं के सामने दो दो मोहरां रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो असली गुरु होएगा वह मेरे मन की आपे बुझ जाएगा। उसने सारे गुरुओं सामने दो दो मोहरां रखियां, पर कोई नहीं जान सकिया कि मखण शाह लुबाणा ने 500 मोहरां देनिया ने, ना कि दो। वह वापस परतना लग्या तो उस वक्त एक शख्स उसने टकराया, तो उसने पूछा कि कोई होर गुरु है तो मैंने दस्से। उस शख्स ने कहा कि एक भोरे के महान तपस्वी बैठे हुए हैं। जब मखण शाह लुबाणा गुरु तेग बहादुर जी को पहुंचे तो उसने दो मोहरां रखियां, तो गुरु जी ने कहा कि तू तो 500 मोहरां का इकरार किया जब तेरा जहाज डुबिया सी, ये तो सिर्फ दो ने। मखण शाह लुबाणा सुन के जान गया कि गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु ने, तो वह एक कोठे से चढ़ के बोलन लग्या, गुरु ला दियो रे, गुरु ला दियो रे। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु बने तो गुरुगद्दी पर बैठे। गुरुगद्दी पर बैठने तो पिछों उन्होंने सिख धर्म का बहुत प्रचार किया, तो सिखां नूं कई सिख्यावां दित्तियां। गुरु नानक देव जी द्वारा लाई सिक्खी की फुलवाड़ी उन्होंने काफ़ी अगे तक वधाया। उस वक्त औरंगजेब बादशाह चाहता सी कि मुसलमान धर्म भी अगे तक फैले, तो मुसलमान धर्म के ज़्यादा तो ज़्यादा लोग हो, इसलिए जबरदस्ती हिंदुओं के जनेऊ ला के उन्होंने इस्लाम कबूल करवा रहा है। औरंगजेब के कहर तो तंग आके कुछ कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी को पहुंचे, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी विपता सुनाई। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुहानू सिर्फ एक महान पुरुष की कुरबानी बचा सकती है। तद ही गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र ने कहा कि तुहाड़े तो महान कोई होर नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि तुसी औरंगजेब नूं जाके कह दिओ कि जे वह गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करवा लेंगे तद सारे हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। औरंगजेब यह गल सुन के गुस्से में आया, तो उसने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली विखे बुलाया जाए। गुरु तेग बहादुर जी यह सूचना मिलते ही दिल्ली वालों तुर पाए। उन्होंने कुछ सिख ही सन, वो जब आगरा पहुँचे तद उन्होंने नाल जेडे सिख सन वो एक जगह पर रुक गए। औरंगजेब को पता लगे कि गुरु तेग बहादुर जी आगरा पहुँच गए हैं, तो उसने अपने 10,000 सैनिक गुरु तेग बहादुर जी को लैन निकाल दते। गुरु तेग बहादुर जी को वह सैनिक दिल्ली विखे लै गए। गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली पहुँचे तब औरंगजेब उत्थे नहीं सी। औरंगजेब ने अपने काजियां को कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को किसी भी हालत में इस्लाम कबूल करवाया जाए। तो औरंगजेब के काजियां ने गुरु जी ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लियो। गुरु तेग बहादुर जी ने इनकार कर दिया कि इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, उन्होंने उन्होंने सिखी सिद्धक उन्हों की जान तो भी प्यारा है। यह सुनने तो बाद काजियां ने हुक्म सी कि जेकर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल ना करन, तो उन्होंने सामने 3 सिखां नूं शहीद कर दिता जाए। गुरु तेग बहादुर जी की अखां के सामने भाई सतीदास जी को दुफाड़ कर दिता गया। भाई मतादास जी को उबलते पानी के कड़ाहे के सुट के शहीद कर दिता गया। तो भाई दयाला जी के शरीर से रूण लपेट के उन्होंने शहीद कर दिता गया। पर वो तिने सिखा ने ना तो इस्लाम कबूल किया, ना ही अपना सिखी सिद्धक छटिया। गुरु तेग बहादुर जी के सामने उस गुरु का सिमरन करते हुए शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं इस्लाम नहीं कबूल कराँगा। उस वक्त उन्होंने कहा गया कि तुसी भुखे रहोगे और तद तक तुहानू तो खाना नहीं दिता जाएगा जब तक तुसी इस्लाम कबूल नहीं करते। गुरु तेग बहादुर जी भुखे रहे, पर उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। इस तो पिछों औरंगजेब ने यह हुक्म दे दिता कि गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक विखे शहीद कर दिता जाए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में लिजाया गया और उन्होंने शरीर सिर उन्होंने धड़ तो अलग कर दिता गया। 14 नवंबर 1765 का वह दिन कुदरत भी बहुत कैरवान हुई, नेर चारे पासे लोगों का भी रौला पै गया। कुदरत भी वह कैर ना चल सकी, तूफान नेरी उस वक्त उठ पे। इस तो पिछों गुरु तेग बहादुर जी का सीस उन्होंने धड़ नाल अलग हो चुका सीगा। उन्हां दी शहीदी दे सारे लोग हैरान सन कि इन्हां ने हिंदू धर्म के लिए शहीदी दे दी। उस वक्त गुरु जी के कुछ सिख सन, और जिन्हां विचों भाई जैता जी ने गुरु जी का सीस उन्हां दे पुत्र तक पहुँचाया, भाई लखी ते उन्हां दे पुत्र ने मिल के गुरु जी के धड़ नूं रूह दे विच लपेट के उन्हां दे मकान विच लियांदा अते जला दिता। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी ते उन्हां दी शहीदी नूं असीं अज भी याद करते हैं। धन्यवाद।